खाते में 10-10 लाख 15-15 लाख डाल लगे। आपने खाता देखा? नहीं देखा? जाके देखो, आने वाले हैं। जब आएंगे तब हम उसको मिलो। तो देखो भाई, इधर बोलो तुम, यहाँ पे जो जो अपनी मंगनी के लिए बैठे तो अपनी जो मंगनी है ये हमको बहुत दिन से मालूम है, लेकिन हमारा जो अगला इलेक्शन है वो इलेक्शन के पहले हम कुछ ना कुछ तो भी सोचेंगे और अच्छे दिन लाएंगे। भाई और बहनों, बात सुनिए, अपन ने सुनिए, अपन ने अपन सुनेगा, हाँ फिर अपन देखेंगे उस पर सोच विचार करके। हमारे जो कमेटी है सीबीडी की, उनको उनसे हम बात करेंगे, हमारे मेंबर से बात करके उनको तुम्हारी बात सुनाएंगे। भाई और बहनों, तुम जो सोच के यहाँ पे बैठे हैं पेंशन के वास्ते, वो पेंशन आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पेंशन आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी यूनियन, हमारी यूनियन, हमारी यूनियन जो पेंशनरों का काम करेगा, जो पेंशनरों का काम करेगा, पेंशनरों का काम करेगा, साल 2017 का परिपत्र रद्द, 31/5/2017 का परिपत्र रद्द किया जाए, 31/5/2017 का परिपत्र रद्द, 31/5/2017 का परिपत्र रद्द। अच्छे दिन आ रहे क्या नहीं हो रहा सोचेंगे आप। अभी थोड़ी देर से हमारे नेता कमांडर राउत साहब, राष्ट्रीय नेता, आपके साथ बात करके बहुत बड़ा आंदोलन आपने जो खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इतने दूर से आने में कितना कष्ट हुआ होगा। पैसों की एडजस्टमेंट है, घर से परमिशन है, क्योंकि हम लोगों को आजकल परमिशन लेनी पड़ती है। बात सही है कि झूठ है? परमिशन लेनी पड़ती है, और जब परमिशन लेने जाते तो बेटा बोलता है क्या सठिया गए क्या, अभी क्यों जा रहे हो, अभी परसों तो डॉक्टर से लेके आए थे, वहाँ ठंड है मर जाओगे, ये सब बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बिना काम के मतलब के कुछ तो घूम नहीं जाते। तो अभी आप इतनी समस्याओं के बावजूद, पैसा है, आरोग्य है, प्रवास है, इसके बावजूद यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका अपनी व्यक्तिगत तरफ से तरफ से और अपनी संगठन की तरफ से आपको वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप में जो जोश है, आपको झूठ नहीं बोलता, आप यहाँ पर आए, आप एक एक आदमी 10,000 आदमी का काम करने वाला है, क्योंकि जो नहीं आ पाए उनकी स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग आ पा रहे थे लेकिन उनको रोका गया, सारी यूनियनें एक हो गई। कुछ लोगों, देखिए, समस्या के किसी को समाधान में फायदा है तो किसी को समस्या में फायदा है। समस्या चलती रहे, रसीदे फटती रहे, पैसा कमाते रहे, ऐसे भी कुछ महाभाग होते हैं, आप मानते हैं इस बात को? बराबर है। तो उनको लगा कि अगर ज्यादा संख्या और आ गई तो अपनी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने लोगों को बोला कि दिल्ली में इतनी ठंड है कि आप मतलब मर जाओगे। कल किसी ने, परसों किसी ने उड़ा दी एक खबर, नोएडा में भूकंप आ गया। सुनिए, आपने आया भूकंप? इन लोगों को ये लगता है, कुछ यूनियनें होती सरकारी यूनियनें, उनको जो सरकार बोलती है उतना करती है, कुछ यूनियनें होती है विरोधक की यूनियनें, वो कुछ भी अच्छा हो बुरा हो गाली देना काम है। हमें पक्ष पार्टी से कुछ नहीं लेना है, हम किसी पार्टी या दल का काम नहीं करते, हमारे लिए आप भगवान है आप, और इस भगवान के लिए हम सब जो लोग काम कर रहे हैं आपके समेत, हम सब उसके अनुमान है, सेवक है, उसी इच्छा से हम कर रहे हैं। जिस दिन आपकी पेंशन मिल जाएगी, आप जिस पक्ष का काम करना चाहते हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों, यहाँ आए, आज अपनी सभा बड़ी हुई, अच्छी हुई, मोर्चा बहुत अच्छा हुआ, आपका जोश देखकर पुलिस वाले भी चकरा गए, पुलिस वाले भी चकरा गए आपका जोश देखकर, उनमें भी जो थोड़ा सीना तान के खड़े हो गए।
क्योंकि ये ज्येष्ठ भारत है, ये रास्ता दिखाएगा देश को। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में निवेदन देने के लिए हमारे 6 साथी चले गए हैं। मैं जानबूझ के वहाँ गया नहीं, क्योंकि मैं 2 बार निवेदन दे चुका हूँ, तो मैंने बोला कोई दूसरा लकी होगा तो जान, इसलिए मैं पीछे रह गया आपसे बात करने के लिए। और उनको भेजा, भाई वीरेंद्र सिंह गए हैं, पाटिल साहब गए हैं, रंजीत सिंह साहब गए हैं, और अपने और 2-4 लोग गए, अम्बिकर साहब गए। तो हर आदमी को नया नया एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब नए लोग भेजे हमने। मैंने बोला उनका कम से कम लक होगा तो निवेदन स्वीकार होगा। लेकिन आपको एक बात मैं कहता हूँ जरूर, इस पार्लियामेंट्री सेशन में हमारा मुद्दा मान्य होना चाहिए। दूसरी बात आपको कहता हूँ, हमारी जिंदगी, हम अमर नहीं है, हम में से कोई भी अमर नहीं है। जिंदगी हमारी आधे से ज़्यादा गुजर चुकी है, बचे साल बोनस है, बोनस है कि नहीं है? वैसे भी मरने का कोई भरोसा नहीं, 40-40 साल, 30-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। बोनस जिंदगी में अच्छा काम करना है कि नहीं करना है? यहाँ से जाने के बाद अगर सत्र में, इस सत्र में अगर हमारा प्रश्न नहीं का हल नहीं होता, समस्या अगर हल नहीं होती, तो भाइयों आपको हम आग्रह करेंगे, आपके जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे, जो चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे, उनकी बात मानिए और किसी के बाप को नहीं डरना। हर संसद के सांसद के घर जाना, अपने अपने उसको ज्ञापन देना, अकेले भी हो तो भी देना, उसको बोलना तेरी पेंशन दुगनी की, हमको पूछा क्या तूने? और हमारे लिए तू संसद बनकर कम से कम आवाज़ उठा, संसद बंद करने की, इतना भी तूने किया तेरा काम दिलो जान से करेंगे। और अगर तूने ये नहीं किया और तू चुप बैठा रहा कोने में सोता हुआ, नजर आया ना, तो भैया तुझे भराने की जिम्मेदारी ये ज्येष्ठ भारत लेता है। वो सांसद चाहे किसी पार्टी का हो, किसी पक्ष का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें आज मतलब अपने स्वाभिमान अस्मिता का है। आज हम इतनी शक्ति चाहते हैं कि हमारे घर में हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा कोई 25 साल के बाद कोई साथी मिलता है, हमारी इतनी हिम्मत हो उसको बोलने की चलो डिनर करते हैं। ये हिम्मत हमें वापिस चाहिए, हमें आपका सम्मान वापिस चाहिए। और वो सिर्फ पैसे से हो सकता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में पैसों का महत्व है भाइयों, वैसे ही महत्व संघ शक्ति का है। तो संगठना जो है आपकी शक्ति की वजह से आज वहाँ पर अपना निवेदन स्वीकार हो रहा है, आपकी शक्ति की वजह से आज पुलिस ने यहाँ पे वैन ला के अपना निवेदन स्वीकारने के लिए उन लोगों को वैन में लेके गए, आपकी शक्ति की वजह से आज हमें अरेस्ट करके, नॉमिनल अरेस्ट करके छोड़ा गया है। अभी उन्होंने वहाँ जीप में बिठाया, बोले अरेस्ट हो गए अभी जाओ। हमने बोला भाई, हमने बोला सबको अरेस्ट करो, हम लोगों को जो पेंशन मिलती है उसका औसत आता है प्रतिदिन 2 लोगों के लिए अगर देखा जाए तो 16.50 रुपये, 33 रुपये पेंशन मिलती है, 1000 रुपये एवरेज पेंशन है, 33 रुपये 2 लोगों को मिलता है, 16.50 रुपये हमें प्रतिदिन मिलता है। और जेल में कैदियों पर 88 रुपये खर्च होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हमने बोला भाई वही ले चल, 16.50 रुपये से ज़्यादा 88 रुपये का खाएंगे, बात सही है क्या झूठ भाई? तो अरेस्ट होना है। पुलिस साहब से बात करता हूँ, हम सबको अरेस्ट कर लीजिए, या तो हमारी मांगे पूरी हो या फिर हम अरेस्ट हो। जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी किसी भाई को अगर बोलना है तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।